हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सर अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 11th क्लास के अकाउंट्स में चैप्टर है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और इसके लिए बहुत ही कमेंट्स आ रहे थे, बहुत लोगों ने मेरे से बोला कि सर गुड्स एंड सर्विस टैक्स हमारा करा दीजिए। तो मैंने सोचा कि इस पर मैं वीडियो लेक्चर ही बना लेता हूँ, जिससे कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, आप साथ में अपना दूसरा सब्जेक्ट भी कर रहे हो, दूसरे चैप्टर्स भी कर रहे हो, साथ साथ में वीडियोस के द्वारा भी आप अपने टाइम को कंज्यूम कर पाए, अपने टाइम को सही इस्तेमाल कर सकें गुड्स एंड सर्विस टैक्स सीखने के लिए। जी हाँ, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स हम लोग समझने वाले हैं आज पूरा थ्योरी भी और प्रैक्टिकल भी, कैसे हम लोग इस पर प्रैक्टिकली एंट्री करेंगे अकाउंट्स में। तो जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है आज, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जी हाँ, सबसे पहली बात कि यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है मैंने टैक्स, तो आज हम किसकी बात करेंगे, टैक्सेशन की। ये टैक्स है, जैसे कि मैंने मेंशन किया है जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स लेविड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मेनली ये जो लगेगा ये लगेगा सप्लाई पर, और सप्लाई किसकी, गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई। यानी ये जो टैक्स है ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, और किस पर लगेगा, गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई पर। सप्लाई का मतलब अभी मैं सिर्फ बेसिक बता रहा हूं, 11th क्लास के लिए सिर्फ बेसिक बता रहा हूं कि सप्लाई का मतलब क्या। सप्लाई का मतलब है सेल और परचेज। वैसे तो सप्लाई का मतलब अलग होता है जीएसटी एक्ट के अनुसार, लेकिन अभी समझने के लिए सिर्फ हमें क्या समझना है कि जीएसटी में सप्लाई का मतलब क्या, सेल और परचेज। यानी अगर आप गुड्स को खरीदते बेचते हैं या फिर सर्विसेज को खरीदते बेचते हैं तो आप पर टैक्स एप्लीकेबल होगा, और वो होगा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है जी। नेक्स्ट, जीएसटी एक्ट वाज पास्ड इन पार्लियामेंट ऑन 24th of March 2017। जो जीएसटी एक्ट है वो पार्लियामेंट में जब पास हुआ तो वो पास हुआ 24 मार्च 2017 को, और ये एप्लीकेबल हो गया फ्रॉम 1st of July 2017। जी हाँ, जीएसटी एक्ट जो एप्लीकेबल हुआ वो हुआ 1 जुलाई 2017 से। ये तो था इसका इंट्रो पार्ट। अब मैं आप लोगों को जीएसटी के अंदर ले जाना चाहूंगा, और जीएसटी में क्या क्या होता है, कैसे कैसे हम लोग एंट्रीज करते हैं, कैसे हम इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करते हैं, टैक्सेशन कैसे चार्ज करते हैं, वो सारी बात। पर उससे पहले हमें एक चीज समझनी होगी, जिसको मैं बोलता हूं टाइप्स ऑफ जीएसटी। टाइप्स ऑफ जीएसटी, जीएसटी कितने तरीके की होती है। तो जीएसटी कितने तरीके की होती है, फर्स्ट, पहला होता है सीजीएसटी, दूसरा होता है एसजीएसटी, थर्ड वन इज आईजीएसटी, एंड लास्ट यूटीजीएसटी। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी। अब इनके मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी का मतलब क्या है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अभी समझना कुछ भी नहीं है, जस्ट आप लोग बस देखते जाइए। आईजीएसटी का मतलब है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। लास्ट यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सीजीएसटी का मतलब क्या होता है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूटीजीएसटी का मतलब क्या है, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब मैं आप लोगों को कुछ बताने वाला हूं, पहले क्या होता था जीएसटी से, जस्ट पहले क्या होता था, कुछ टैक्सेस ऐसे थे, इनडायरेक्ट टैक्स में बात कर रहा हूं, इनडायरेक्ट टैक्सेस कुछ ऐसे थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती थी, कुछ टैक्सेस ऐसे थे जो स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती थी, कुछ टैक्सेस ऐसे थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती थी, कुछ ऐसे थे जो स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती थी।
तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती थी वो सारा का सारा रेवेन्यू, टैक्स जो रेवेन्यू उनका बनता था वो जाता था सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती थी वो जाता स्टेट गवर्नमेंट को। अब यहाँ पर तो दो, और जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सेंट्रल जो गवर्नमेंट ने लगा दी थी टैक्स वो कुछ अलग अलग टैक्सेस पे, स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग टैक्सेस चार्ज करती थी। जैसे सेंट्रल एक्साइज, एक्साइज ड्यूटी आपने सुना होगा, एक्साइज ड्यूटी पहले जीएसटी से पहले एक्साइज ड्यूटी हुआ करती थी और वो लगाती थी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एक्साइज ड्यूटी का जितना भी कलेक्शन होता था वो सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाता था। और भी जैसे सेंट्रल सेल टैक्स, वो सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाता। अब हम बात करते हैं अपने वैट की, वैल्यू एडेड टैक्स। पहले वैल्यू एडेड टैक्स लगता था, एक वैट लगता था, तो वो जाता था स्टेट गवर्नमेंट को। ऑक्ट्रॉय, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, परचेज टैक्स, एंट्री टैक्स, ये सारी चीजें लगती थी, ये सारे टैक्सेस लगते थे, ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे और ये जाते थे स्टेट गवर्नमेंट को। अब इन सारे टैक्सेस को खत्म करने के बाद सिर्फ एक टैक्स बना दिया गया जिसे बोला गया जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स। तो जब वन नेशन वन टैक्स हुआ तो यहां पर प्रॉब्लम ये आई कि कौन सा रेवेन्यू किस गवर्नमेंट को जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को रेवेन्यू जाएगा या फिर स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिपार्टमेंट ने एक तरीका निकाला कि सीजीएसटी का मतलब सीधा सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को जो टैक्स जाना है वो, एसजीएसटी मतलब जो सीधा सीधा एसजीएसटी यानी स्टेट गवर्नमेंट को जो टैक्स जाएगा, आईजीएसटी वो पूरा पूरा सेंट्रल को जाएगा और यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी को जाएगा। तो यहां पर आप लोगों को समझ में आ गया कि रेवेन्यू कैसे इन्होंने सेग्रीगेशन कराया, यानी उनको बंटवारा कैसे कराया, एप्रोप्रिएशन कैसे करा होता। नेक्स्ट टाइप ऑफ जीएसटी समझ में आ गया। अगर आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया हो या कोई कंफ्यूजन हो तो वीडियो को पॉज करके एक बार दोबारा से रिवाइंड करें और फिर से देखें कि टाइप्स ऑफ जीएसटी में मैंने क्या बताया। नेक्स्ट जो मैं आपको बताने वाला हूं वो बताने वाला हूं मैं रेट्स ऑफ जीएसटी के बारे में। रेट्स ऑफ जीएसटी यानी जीएसटी में रेट्स क्या है, स्ट्रक्चर क्या है जीएसटी का। तो गवर्नमेंट ने पांच रेट बनाए, 0%, 5%, 12%, 18% एंड लास्ट 28%। पांच परसेंटेज बनाए, 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। पांच परसेंटेज बनाए। 0% वाले वो गुड्स थे या वो सर्विसेज थे जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है, उनके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। जैसे कि हम उन्हें बोलते हैं एसेंशियल आइटम्स, जैसे फूड वगैरह हो गया, तो ये हमारे जरूरत की चीजें, हम जिंदा नहीं रह पाएंगे तो उन पर कितना टैक्स, जीरो होना भी चाहिए, बिल्कुल सही है। उन पर अगर हम टैक्स देंगे तो हमें महंगा पड़ेगा, नॉर्मल जो ब्लो पॉवर्टी लाइन है, जो गरीब लोग हैं वो खरीद ही नहीं पाएंगे। फिर आया 5%। 5% वो चीजें हैं जो जरूरी तो है लेकिन उनके बिना भी काम चल सकता है, यानी कि वो आपकी बेसिक नीड्स हैं, तो उन पे गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया कम, वो बोला 5%। ज्यादातर जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो आते हैं इस स्लैब रेट 12% और 18% वाले, ये स्टैंडर्ड रेट बोला जाता है। और लास्ट बचता है हमारा 28%, ये लग्जरी गुड्स पे, लग्जरी आइटम्स पे लगता है और टोबैको प्रोडक्ट्स पे लगता है। ठीक है जी, तो 5% 0%, 5%, 12%, 12 देन 18% एंड 28%। अब प्रॉब्लम ये है कि कौन से गुड्स और कौन से सर्विसेज पे कितना परसेंट टैक्स लगेगा। तो आप लोगों को इसमें कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली इंटरनेट पर जाइए और वहां पर अपने गुड्स या सर्विस जिसमें आप डील कर रहे हैं या जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, जिसका आप अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, जिसके आप टैक्सेशन का काम कर रहे हैं, तो उस कंपनी, उस इंडस्ट्री की, उस एस्टेब्लिशमेंट की गुड्स और सर्विसेज को देखें कि किसमें डील करते हैं और फटाफट से उसका नाम डालिए गूगल पर और जीएसटी का रेट उस पर एप्लीकेबल जो हो रहा होगा वो आ जाएगा। ठीक है जी। एक और होता है एचएसएन कोड जिसे हम बोलते हैं हार्मोनाइज्ड सिस्टमैटिक नोमेनक्लेचर, हार्मोनाइज्ड सिस्टमैटिक नोमेनक्लेचर कोड, एचएसएन कोड, जो कि जीएसटी का एक कोड होता है। इस कोड से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी उस गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में, जीएसटी कितना उस पर एप्लीकेबल है। अब मेरी प्रॉब्लम ये आई, हमें ये पता चल गया कि जीएसटी कितने तरीके का होता है, हमें ये भी पता चल गया कि परसेंटेजेस क्या क्या है।
अब हमें मेन प्रॉब्लम ये आएगी कहां पर सीजीएसटी लगेगा, कहां पर एसजीएसटी, कहां पर यूटीजीएसटी, कहां पर आईजीएसटी लगेगा। तो अब बात उसी की कर लेते हैं। अगर ये समझ में आ गया तो बहुत ही बढ़िया, फिर तो सीधा प्रैक्टिकल पर आ जाएंगे। तो उसके लिए मैं आपको दो चीजें बताऊंगा। सबसे पहले दो चीजें होती हैं, एक होता है जिसे हम बोलते हैं विद इन स्टेट और एक होता है आउटसाइड स्टेट। विद इन स्टेट और आउटसाइड स्टेट। अब ये जो विद इन स्टेट मैंने लिखा है इसका मतलब क्या है और जो मैंने आउटसाइड स्टेट लिखा है इसका मतलब क्या है। विद इन स्टेट का मतलब मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे अभी मेरा बिजनेस है हरियाणा में। अगर मेरा बिजनेस कहां है, हरियाणा में, और अगर हरियाणा में बिजनेस है और हरियाणा के अंदर अंदर मैं बिजनेस करता हूं, मान लीजिए ये मेरा हरियाणा है, ये हरियाणा है, इसके अंदर अंदर अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं कहीं इसके अंदर अंदर, तो क्या होगा विद इन स्टेट। अगर मैं अभी फरीदाबाद में हूँ, फरीदाबाद में मेरा बिजनेस है जो रजिस्टर्ड है, मेरा बिजनेस वो कहाँ पर रजिस्टर्ड है, प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पर रजिस्टर्ड है, फरीदाबाद में। तो अगर मैं फरीदाबाद से सिरसा गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करता हूँ, या मैं हिसार बेच देता हूँ, या मैं रोहतक से खरीद लेता हूँ, तो वो ट्रांजेक्शन मानी जाएगी विद इन स्टेट, हरियाणा के अंदर अंदर, एक स्टेट के अंदर अंदर। और अगर मैं हरियाणा में, यानी मेरा बिजनेस कहाँ है, हरियाणा में, ये मेरा हरियाणा हो गया, और मैं इसके आउटसाइड यानी हरियाणा से बाहर गुड सप्लाई कर रहा हूं, हरियाणा से बाहर गुड सप्लाई कर रहा हूं, तो वो क्या कहलाएगा, आउटसाइड स्टेट। मान लीजिए मैंने हरियाणा से गुड सप्लाई कर दिया कहां पर, महाराष्ट्र या गोवा या गुजरात या मध्य प्रदेश, यूपी, तो ये सारी चीजें कहां जाएंगी, आउटसाइड स्टेट में। अब मैं एग्जांपल लेता हूं, आप मुझे बताना कि वो विद इन स्टेट है या फिर आउटसाइड स्टेट है। एक मिस्टर सुरेंद्र है, सुरेंद्र जी जो है वो हरियाणा से हैं, इन्होंने जो गुड्स बेचा, इन्होंने जो सेल किया गुड्स, वो किया विजय, विजय जी को। अब विजय जी कहां पर रहते हैं, गोवा में। विजय कहां पर है, गोवा। विजय का बिजनेस कहां है, गोवा में। तो ये कौन सा है, ये विद इन स्टेट है या आउटसाइड स्टेट ट्रांजेक्शन, कौन सी ट्रांजेक्शन है, विद इन स्टेट या आउटसाइड स्टेट, बताइए आप लोग। जी सही कहा आपने, ये आउटसाइड स्टेट है, क्योंकि सर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स बेचा जा रहा है, समझ में आ गया ना। तो ठीक है, बस सिंपल। अब अगर विद इन स्टेट होगा, अगर विद इन स्टेट होगा, विद इन स्टेट ट्रांजेक्शन जो हुई है, जो सप्लाई हुई है गुड्स एंड सर्विस की, कहां हुई है, विद इन स्टेट, तो वहां पर दो टैक्सेस लगेंगे, एक लगेगा सीजीएसटी और एक लगेगा एसजीएसटी, एक लगेगा सीजीएसटी और एक लगेगा एसजीएसटी। और अगर आउटसाइड स्टेट ट्रांजेक्शन हुई है तो वहां पर सिर्फ एक ही टैक्स लगेगा, आईजीएसटी, ठीक है जी। अगर विद इन स्टेट है तो सीजीएसटी एसजीएसटी, आउटसाइड स्टेट है तो आईजीएसटी। और अगर यूनियन टेरिटरी से ट्रांजेक्शन है, कहां से ट्रांजेक्शन है, यूनियन टेरिटरी से, तो वहां पर भी दो टैक्सेस लगेंगे, सीजीएसटी तो लगेगा ही लगेगा, एसजीएसटी की जगह यूटीजीएसटी लग जाएगा बस, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, कोई दिक्कत इसमें, दोबारा से देखें, अगर विद इन स्टेट है तो दो टैक्स लगेंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी, अगर आउटसाइड स्टेट है तो आईजीएसटी लगेगा, और अगर यूनियन टेरिटरी की ट्रांजेक्शन है तो सिंपल दो ही टैक्स लगेंगे, सिर्फ एसजीएसटी की जगह यूटीजीएसटी लग जाएगा, क्योंकि वो स्टेट नहीं है, वो यूनियन टेरिटरी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना टैक्स लेगी, लेकिन साथ में यूनियन टेरिटरी भी लेगी, तो सीजीएसटी और यूटीजीएसटी। ये बात समझ में आ गई। अब हम आते हैं कितना परसेंटेज लगेगा, रेट्स आपको याद है, जैसा वी हैव ऑलरेडी डन इट, तो 0%, 5%, 12%, 28% और 18%। मान लीजिए सपोज
मैं भी एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो आप गुड्स बेच रहे हैं वो 12% वाला है, यानी उस गुड्स पर जो एप्लीकेबल रेट है जीएसटी का वो 12% है। तो 12% है तो अब कैसे लगेगा, यहाँ पर देखिए, अगर गुड्स बेचा गया है विद इन स्टेट बेचा गया है तो 6% तो सीजीएसटी लगेगा और 6% एसजीएसटी लगेगा। दोबारा से, अगर गुड्स बेचा गया है विद इन स्टेट, आप हरियाणा में हो, हरियाणा के अंदर अंदर ही आपने गुड्स बेचा है तो कितना परसेंट लग रहा है, मान लीजिए 12% था उस गुड्स पे, तो 6% सीजीएसटी लग जाएगा और 6% एसजीएसटी लग जाएगा, ठीक है। और अगर आईजीएसटी लग रहा है आउटसाइड स्टेट, यानी हरियाणा से अगर आपने बाहर बेचा है तो 12% था तो पूरा का पूरा 12% आईजीएसटी लग जाएगा, ठीक है जी। और अगर सेम वही 6% सीजीएसटी और 6% यहाँ पर भी लग जाएगा 6% यूटी जीएसटी। क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं। दोबारा से एक बार देखें, अगर विद इन स्टेट आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं 12% या 18% 28% जो भी टैक्स है, तो उसका हाफ आप कर लीजिए विद इन स्टेट में, सीजीएसटी में हाफ डाल दीजिए, एसजीएसटी में हाफ डाल दीजिए। जैसे 18% है तो 9% सीजीएसटी 9% एसजीएसटी। अगर आउटसाइड स्टेट आप बेच रहे हैं खरीद रहे हैं तो आईजीएसटी लगेगा पूरा का पूरा 18% 12% 28% जो भी टैक्स लग रहा है। और अगर आप यूनियन टेरिटरी से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो भी हाफ ऑफ कर दीजिए, अगर 12% का कोई गुड्स या सर्विस है तो 6% सीजीएसटी 6% यूटी जीएसटी। क्लियर हुआ, 18% है तो 9% सीजीएसटी और 9% यूटी जीएसटी। यहां तक क्लियर हो गई बात। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज हु विल पे द टैक्स। Who will pay the tax? Tax. What is meant by tax? GST. Tax मतलब क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर? GST. तो कौन GST pay करेगा? कौन GST pay करेगा? मैं दो चीजें लिख रहा हूँ। हमारे पास दो person होंगे। एक होगा buyer और एक होगा seller. एक होगा buyer और एक होगा seller. तो buyer गुड्स खरीद रहा है ना, तो टैक्स वही पे करेगा। बायर विल पे द टैक्स, सेलर विल कलेक्ट द टैक्स। सिंपल, सेलर तो सिर्फ कलेक्ट करेगा टैक्स को, किससे? बायर से, ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। यानी अभी देखिए क्या हो रहा है, मैं कुछ चीज समझाता हूं आप लोगों को। यहां पर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट, और यहां पर एक पर्सन है जो कि मैन्युफैक्चरर है। कौन है ये? मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर क्या काम कर रहा है? मैन्युफैक्चरर क्या काम कर रहा है? मैन्युफैक्चरर गुड्स बेचता है होलसेलर को। किसको बेचता है? होलसेलर को। होलसेलर गुड्स बेच देता है रिटेलर को, और रिटेलर किसको गुड्स बेच देता है? कंज्यूमर को। सिंपल, तो टैक्स कौन पे करेगा? गवर्नमेंट टैक्स चार्ज कर देती है मैन्युफैक्चरर पे, मैन्युफैक्चरर चार्ज कर देता है होलसेलर पे, होलसेलर किससे ले लेता है? रिटेलर से, और रिटेलर किससे ले लेता है? कंज्यूमर से। तो अल्टीमेटली अगर देखा जाए यहां पर लास्ट में, तो कौन टैक्स बर्डन, टैक्स का बर्डन किसके ऊपर है? कंज्यूमर यानी कस्टमर के ऊपर। तो इनडायरेक्टली कस्टमर ही तो पे कर रहा है गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली, इसीलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। इनडायरेक्टली कौन पे कर रहा है? कंज्यूमर। समझ में आया? तो कौन पे करेगा यहाँ पर? यहाँ पर देखो, मैन्युफैक्चरर के लिए बायर कौन था? होलसेलर। तो होलसेलर टैक्स पे कर रहा था। होलसेलर के लिए बायर कौन है? रिटेलर। तो रिटेलर टैक्स पे कर रहा था। रिटेलर के लिए बायर कौन है? कंज्यूमर। तो कंज्यूमर टैक्स पे कर रहा था। तो हु विल पे द टैक्स? सिंपल इज बायर, बायर विल पे द टैक्स। सेलर क्या करेगा? सेलर सिर्फ और सिर्फ कलेक्ट करेगा, सिर्फ टैक्स ले लेगा और वो जमा कराएगा गवर्नमेंट को। सिंपल, क्लियर हो गया। जब भी परचेज करेंगे, परचेज जब भी करेंगे, परचेज के टाइम हम लोग इनपुट वर्ड यूज करेंगे और सेल के टाइम हम लोग आउटपुट वर्ड यूज करेंगे। परचेज के टाइम इनपुट वर्ड यूज करेंगे और सेल के टाइम आउटपुट वर्ड यूज करेंगे। क्लियर हो गया? परचेज के टाइम इनपुट और सेल के टाइम आउटपुट। अब एक बात बताइए, टैक्स अगर आप पे करके आ रहे हैं तो आपका सिंपल खर्चा ही है ना, तो आप उसको डेबिट करेंगे,
और अगर टैक्स आपने कलेक्ट किया है यानी आपने सेल करा था और किसी जो बायर था आपका उससे आपने टैक्स लिया है तो वो आपकी लायबिलिटी है ना कि इनकम, क्योंकि आपको वो जमा कराना है गवर्नमेंट को तो आप उसको क्रेडिट करेंगे आउटपुट को। सिंपल, अगर आप परचेज करके लाते हैं गुड्स तो इनपुट को डेबिट करेंगे इनपुट टैक्स को, मतलब जीएसटी को, चाहे इनपुट सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, व्हाटएवर इट इज, तो जो भी होगा वो डेबिट होगा। और अगर सेल करते हैं तो सेल में आउटपुट जीएसटी को क्रेडिट किया जाएगा, अब चाहे सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी कुछ भी हो। ठीक है जी, अब हम लोग आते हैं अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर। इसमें इस क्वेश्चन में मैं आपको सीधा जनरल एंट्रीज और इसमें कैसे एडजस्टमेंट करेंगे वो सिखाऊंगा। क्वेश्चन है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ लक्ष्मी ट्रेडर राजस्थान। कहां की है लक्ष्मी ट्रेडर, जो बिजनेस है कहां का है, राजस्थान का। अस्यूमिंग दैट ऑल ट्रांजैक्शन हैव टेकन प्लेस इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है वो सारी की सारी कहां पर हुई है, राजस्थान के।